नमस्कार। आज के इस सजीव प्रसारण में मैं डॉक्टर नीलिमा पंत, सहायक निदेशक NIS, आपका स्वागत करती हूँ। लर्नर्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है सुरक्षित बीज भंडारण, यानी सेफ सीड स्टोरेज। इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर मयंक कुमार राय, प्रोफेसर इन हेड कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लर्नर्स, आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ कई तरह के खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। जब खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की बात करते हैं तो बीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवेश हो जाता है, और बीज जब हम अपने खेत में लगाते हैं तो आपकी कैसी फसल होगी उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके बीज की गुणवत्ता क्या है। तो आपके बीज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बीज की गुणवत्ता अच्छी तब होती है जब आप उसको उसकी कटाई से लेके उसको अगले जब आप बीज बुवाई करते हैं तब तक आप उसको सुरक्षित रखें। तो हम बीज को कैसे सुरक्षित रखेंगे ताकि आपकी जो फसल है उसको उसमें उसके लिए आपको अच्छे बीज, गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त हो सके, तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर मयंक से जानते हैं कि वो कौन कौन सी समस्याएँ हैं जो हमारे जो बीज है उनको सुरक्षित नहीं रख पाती हैं। धन्यवाद डॉक्टर नीलिमा जी, हमारे लर्नर्स का मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है सेफ सीड स्टोरेज, इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे खाद्यान्न पे भी, जो ग्रेन्स होता है सीड के साथ उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसा कि डॉक्टर नीलिमा जी ने कहा,
कि सेफ सीड स्टोरेज क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर से हमारे पास अगर स्वच्छ सीड नहीं है तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। कहा जाता है कि जब हम अच्छा सीड अगर यूज़ कर लेते हैं तो हमारी फसलें अच्छी हो जाती हैं और उसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होता है। स्वच्छ अगर बीज है, बीमारी मुक्त बीज है, कीड़े मुक्त बीज है और अच्छे दाने हैं बीज के, तो स्वाभाविक है कि उसमें फसल जब हम लेते हैं तो कोई बीमारी नहीं आती है, कोई कीड़े नहीं आते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है और इसके साथ साथ उत्पादन भी जो है बीमार ग्रस्त और समस्या ग्रस्त बीज में जो दिक्कतें आती हैं और स्वच्छ बीज में जो उत्पादन होता है उसमें बहुत सारा अंतर हो जाता है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर सपोज करिए कि अगर हम खाद्यान्न की भी साथ साथ बात करें तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सेफ सीड स्टोरेज के साथ साथ हम खाद्यान्न की भी बात करेंगे। और जी सर, बहुत सबसे पहले लेकिन हमारे लर्नर्स को आप बताइए कि जब हम खाद्यान्न बीज की बात करते हैं और सीड की बात करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम सीड की बात करते हैं तो सीड के लिए जो है जब हम खेती करते हैं, जब किसान खेती कर रहे होते हैं तो उसके लिए सीड के लिए क्या होता है कि एक जो खेत होता है और दूसरे खेत से एक निश्चित दूरी बना करके रखते हैं। खाद्यान्न की जो फसल होती है और सीड के लिए अगर कोई फसल ले रहे होते हैं तो उसमें एक मीटर का कम से कम डिफरेंस, जिसको बोलते हैं आइसोलेशन डिफरेंस, उसको रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ से किसी तरह की समस्या इस दूसरे सीड वाले फसल में न आ जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि खाद्यान्न क्या है, हम साफ करके रख देते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में रखते हैं, जबकि सीड की हमको बहुत कम आवश्यकता होती है। अगर किसान की स्तर की बात करें तो अगर 500 कुंटल अगर किसी का उत्पादन हुआ तो उसमें मुश्किल से उसको 10 कुंटल 5 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है, तो उसको हम अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके उसमें ज़रूरत होती है तो दवा मिला करके रखते हैं। और खाद्यान्न में दवा नहीं मिलाते हैं, जो खाने वाले जो दाने होते हैं उसमें दवा नहीं मिलाते हैं। बेसिक तो अंतर यही होता है जी। प्लस जो सीड के जो दाने होते हैं उनको जो है कम से कम जो है बोल्ड होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। खाद्यान्न में हम किसी भी तरीके के दाने को भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सीड में इस तरह का हमको अवॉइड करने की आवश्यकता होती है। जी सर, जो खाद्यान्न फसल ग्रेन्स होते हैं उसको हम बहुत जनरली उसको जल्दी बेच दिया जाता है जी जी, उसको कंजप्शन पर्पस से उसको यूज किया जाता है, लेकिन जो सीड होता है उसको अगली बुआई के लिए उन सीड को इस्तेमाल करते हैं और जनरली ये जो सीड होते हैं इनको लगभग हम 6 महीने 7 महीने के लिए सुरक्षित इनको रखना पड़ता है, 6 से 8 महीने के लिए। जैसे इस समय है, इस समय किसान धान की कटाई कर रहा है और किसान धान की कटाई कर रहे हैं तो जो बीज के लिए जो उन्हें धान रखेंगे वो अलग रखेंगे और अगले जब जून में उसकी आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब 6 से 7-8 महीने जो है उसको होगा। लेकिन खाद्यान्न में क्या होता है कि खाद्यान्न में अभी जिसे उन्होंने धान की कटाई की अच्छी तरह से उसको सुखा करके और चावल बना करके उसको सेल कर सकते हैं या जो भी मतलब उनकी अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, मंडी में ले जा सकते हैं। लेकिन बीज जो है रिसर्च स्टेशन से चाहे कृषि विश्वविद्यालय से या किसी भी स्तर से जब हम बीज लेते हैं तो उसमें इस तरह की सुविधा, इस तरह की जो है मतलब सावधानियों की आवश्यकता होती है, साफ सुथरे से रखा जाता है उसको जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स की भी आवश्यकता है और साथ ही साथ अगले साल फसल के लिए अच्छे बीज की भी आवश्यकता जी, है जी। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। और सर, अब हम हमारे लर्नर्स को बताइए कि वो कौन कौन से कीड़े हैं, कीट हैं, पेस्ट है जिनके कारण जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, स्टोर्ड सीड्स हैं, उनको नुकसान पहुंचता है जी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जब भी सीड की बात करते हैं या खाद्यान्न की बात करते हैं तो उसमें जब देखते हैं कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, हमारी कटाई हो जाती है, कटाई के बाद किसान उसको किस तरीके से प्रयोग कर रहा है, अन्न को या बीज को, तो उसमें जो है जब हम सावधानियाँ बहुत तरह की रखते हैं तो उसमें जो समस्याएं आती हैं वो कई सारी की समस्याएं होती हैं, जिसमें खासकर तो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, कुछ बीमारियों का भी होता है, कुछ फंगस वगैरह लग जाते हैं और फंजाई वगैरह जैसे और रोडेंट्स वगैरह जैसे लगते हैं, बर्ड्स वगैरह चिड़िया वगैरह से नुकसान होता है, चूहों से नुकसान होता है। और इसके साथ साथ जो है बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि अगर हम जो खाद्यान्न या बीज का उत्पादन करते हैं उसमें मॉइस्चर अगर मेंटेन करके नहीं चलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ हम रखते हैं उसके टेम्परेचर को जो है देखने की ज़रूरत होती है कि टेम्परेचर जो है क्या होना चाहिए और मॉइस्चर उसमें अन्न में या दाने में बीज में कितना होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जिसे भाई इंसेक्ट जो स्टोर में अटैक करते हैं उसमें इंसेक्ट्स भी होते हैं, उनका जो है चूँकि जो बॉडी होती है वो काफ़ी हार्ड होती है,
और उसमें टेम्परेचर या किसी भी चीज़ का बहुत ही कम असर होता है। और मतलब हम जो है जिसे उसमें माइट्स भी लगते हैं और हम इंसेक्ट की एक संरचना देखेंगे तो हेड थोरेक्स एब्डोमेन होता है उसमें, तो वो तीन भागों में बटे होते हैं। और ख़ासकर अभी मैं आगे जब बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से है, मतलब जो इंसेक्ट को जो है कीड़े के जो अगर हम आर्डर की बात करें, कीड़े को 30 आर्डर में विभक्त किया गया है, तो 30 आर्डर में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो कोलियोप्टेरा एक आर्डर होता है और उसके अलावा लेपिडोप्टेरा आर्डर जो है के कीड़े जो है नुकसान करते हैं। कोलियोप्टेरा में बीटिल्स होते हैं, बीविल्स होते हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं उनको समझना चाहिए। जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें बीटिल्स, ये बीटिल है, बीटिल जो है काफ़ी जो है मतलब ख़तरनाक होता है और इसमें किसी भी तरीके की दवा का असर बहुत ही कम होता है, मॉइस्चर का असर कम होता है। और जब मॉइस्चर फेवरेबल हो जाते हैं, फेवरेबल पा जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या में इनका ये बढ़ते हैं और इनकी स्केलेटन जो इनकी त्वचा जो होती है ये बहुत ही हार्ड होती है, तो इनको जो है मारना बहुत कठिन हो जाता है। ये सर जो घुन हम कहते हैं ये घुन होते हैं? हाँ, इसमें अलग अलग तरह के होते हैं, कीड़े होते हैं अलग अलग तरह के, तो घुन हम बताएंगे आगे इसमें क्यों किसको घुन बोलते हैं। और हेड थोरेक्स एब्डोमेन में ये विभक्त होते हैं तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें बीविल्स भी होते हैं, उनकी थोड़ी सी जो सूंड होते हैं, एक तरह से सूंड कह सकते हैं या मुँह कह सकते हैं, जो मुँह का जो माउथ पार्ट का जो अगला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है। अभी आगे आप फोटो में बहुत सारे कीड़ों का फोटो देखेंगे उसमें आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है इसमें बीटिल्स और बीविल्स आर्डर कोलियोप्टेरा में आते हैं और माथ और फ्लाइज जो है ये आ जाते हैं आपके लेपिडोप्टेरा में। तो ये कीड़े जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन इंसेक्ट्स में जो है बहुत सारे, जिसे हमने बताया कि फंजाई है, इसके अलावा चूहे नुकसान करते हैं और चिड़िया वगैरह नुकसान करती हैं, बहुत सारा चीज़ नुकसान करता है। बाहर अगर बरसात हो गई, अगर भंडारण आपने जहाँ किया हुआ है सीड का या भंडारण का अन्न का, तो वहाँ पे जो है बरसात की वजह से, आंधी से, तूफान से, इससे भी नुकसान बहुत सारा होता है। इस तरीके से जो है हम जो कीड़े के लिए जो आइडियल कंडीशन होती है वो कीड़ा बढ़ता किस में है, हम जब भी बात करेंगे हम सीड के साथ साथ अन्न भंडारण की भी बात करेंगे। आगे से हमारे लर्नर्स को ये समझना चाहिए कि जो भी हम बात करेंगे सीड के साथ अन्न भंडारण की बात करेंगे, तो जो कीड़े को बढ़ने की जो सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे अच्छी सुविधा होती है वो अगर टेम्परेचर हमारे उसका भंडार गृह का 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और 60 से 70 परसेंट तक अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो कीड़े बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि पुराने गोडाउन में या पुराने जो है हम जहाँ रखते हैं सामान, मतलब अन्न रखते हैं या बीज रखते हैं, उसमें नए बीज को ले जाकर रख देते हैं, तो चूंकि पुराना वाला जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है और उसको हम साफ नहीं करते हैं और नए बीज उसमें नए दाने उसमें डाल देते हैं, तो इससे भी एक बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। बहुत लंबे समय तक स्टोरेज करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है, इसलिए जो है हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लंबे समय तक स्टोरेज करें तो उसको साफ सफाई करें, उसमें अच्छी तरीके से हवा वगैरह निकलती रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो है हमारे पास जो हमने पहले बताया कि स्टोर प्रोडक्ट में स्टोरेज में जो है दो तरह के जो ग्रुप हैं, कोलेप्टेरा में जो है बीटल्स होते हैं और इसका जो है कोलेप्टेरा में हम देख सकते हैं कि 300,000 से ऊपर स्पेसीज जो है वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जो है एक तरह से इसमें समस्या होती है। और इनके जो इमेच्योर स्टेज होते हैं, जो लार्वा होते हैं, उनके वजह से नुकसान होता है। सर ये कीट जो होते हैं क्या ये हर एक अलग अलग खाद्यान्न फसलों में अलग अलग कीट होते हैं या सेम होते हैं? 10 से 12 तरह के जो कीड़े होते हैं, जो बीटिल हैं, बेविल्स हैं, माथ हैं, तो वो 10 से 12 तरह के मुख्य जो है कीड़े होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक तरह से नुकसान करते हैं। लेकिन जो है कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो साबुत दाना होता है, सबूत दाना कह सकते हैं, जो होल ग्रेन है उस पर नुकसान करते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो होल ग्रेन है उस पर अगर कीड़े कितने भी लग जाएं तो उसमें नुकसान नहीं करेंगे, वो जो टूटे हुए दाने होते हैं तो उसमें नुकसान करते हैं। तो हम आगे जब भी हम पढ़ेंगे इसमें आपको बताएंगे कि जो होल ग्रेन है उसमें कौन कौन से जो है कीड़े नुकसान करते हैं, जैसे सीटोफिलस ओराइजी है, राइस बीविल है जैसे, उसमें जो है होल ग्रेन पे ये नुकसान करते हैं, जो चावल है उसमें नुकसान करते हैं। इसके साथ साथ ग्रेनरी बिलेस सीटोफिलस ग्रेनेरियस है, इसी का एक दूसरी स्पीसीज है, तो वो नुकसान करते हैं। और मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं, मोर कॉमन इन ग्रेनरीज एंड मिल्स में होते हैं, जो बड़े बड़े जो खाद्यान्न जो भंडारण लोग करते हैं उसमें यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और अगर साफ सफाई हम नहीं रखते हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि स्टोरेज में
अगर जनरली तो स्टोरेज में हम जितना नुकसान होता है 10 से 15% तो कम से कम लॉस तो नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, लेकिन अगर हम असावधानी रखेंगे तो कभी कभी जो है 100% जो है, जो पूरे चावल आप देखते होंगे पूरा उसमें जो है गट्ठर बन जाता है और रेसाएँ रेसे बन जाते हैं और उसमें जो है सारा नुकसान हो जाता है, पानी वगैरह और इंसेक्ट के सारा मॉइस्चर भी रिलीज़ करते हैं, तो इससे जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एक जो मुझे सर बहुत बड़ा कारण लगता है जो ये स्टोर्ड ग्रेन खराब होता है वो कि जो हमारा वेयर हाउस है उनका स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप देखिए कॉमन जो इस समय जैसे किसान क्या करते हैं या जो हमारे लोग करते क्या हैं, ये घर में रखते हैं और उसमें हो सबसे पहले तो यही ध्यान नहीं रखते हैं कि जो हम जैसे गेहूँ है या धान है कोई भी जब हम फसल काटते हैं उसके मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा होता है जी। लेकिन आइडियल जो कंडीशन होता है मॉइस्चर कंडीशन होता है वो रखने के लिए जो है 10 से 12% इम्पॉर्टेंट होता है। जब हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें 18 से 20% तक का मॉइस्चर होता है, तो उसको जो है पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको सुखाना चाहिए अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से हवा ना लगे, मतलब कहीं फर्श पे लेकर के या कहीं भी जहाँ भी करते हैं। तो सर आजकल ड्रायर भी आते हैं बहुत सारे, जिससे कि ड्रायर से आप जो है सुखा सकते हैं। इन जनरल सर हर एक क्रॉप की अलग अलग परसेंटेज होती है, उतने तक ड्राई करना चाहिए या फिर जी जैसे दलहनी फसल है उसको 8 से 9% पे जो है कम से कम करना चाहिए, गेहूं वगैरह है उसको 12% पे जो है आप 9 से 10% और 12% पे मॉइस्चर होना चाहिए। और हमेशा पहले से बताते आए हैं हम लोग कि वैज्ञानिकों का रिसर्च है उसके माध्यम से हुआ है कि भाई जब गेहूं के दाने को हम अगर दांत के नीचे दबा करके उसको दबा करके तोड़ें और जब कट से आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि वो स्टोरेज के लिए जो है ठीक हो गया। अगर वो दबे और पिलपिले जैसे हो जाए तो समझ लीजिए कि वो जो है स्टोरेज के लिए ठीक नहीं है। बोरे की सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा अभी उस पर मैनेजमेंट पे हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी जो होल ग्रेन्स पे जो है जो कीड़े जो लगते हैं उसमें राइस वीविल है और ग्रेनरी वीविल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो जब समूचे जो दाने हैं उस पर नुकसान करते हैं। और इसके जो डैमेज होते हैं इसके जो एडल्ट होता है एक लार्वा और प्यूपा और एडल्ट, तो इसके जो लार्वा और एडल्ट जो होते हैं ना वो नुकसान करते हैं इसमें। और ग्रेन्स जो है जब ऊपर दाने में ये छेद करके खाते हैं तो दाने में जो है ना अंदर से खोखला हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो जाता है और आप देखेंगे कि पूरा जो है दाना ख़राब हो जाता है, पूरी लॉट ख़राब हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब इम्पॉर्टेंट है और इस पर जो है कंट्रोल करना इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर एक बार इन्फेस्टेशन हो जाए तो। होल ग्रेन्स में जो है ये एक आप देख रहे होंगे कि लेजर ग्रेन बोरर है, लेजर ग्रेन बोरर इसको जो है बोला जाता है राइजोपर्था डोमेनिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह जब करते हैं ट्रैक्टर में चाहे किसी ट्रक वगैरह में उसमें बहुत सारे कीड़े पड़े होते हैं, वो कीड़े जो है ट्रक से चाहे जो पुराने जो है थ्रेसर हैं जो थ्रेसर को हमने अगर साफ नहीं किया उससे और जो बोरे हैं उसमें जो हम जहाँ पे दाने हम हार्वेस्टिंग करने के बाद जो रखते हैं वहाँ से जो मतलब एक तरह से कहते हैं जहाँ फील्ड है जहाँ पे हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं मड़ाई कर रहे होते हैं वहाँ से ये बहुत सारे तरीक़ों से ये जो है स्टोरेज गोडाउन तक चले जाते हैं और इसमें जो है ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। और इनके जो माउथ पार्ट होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये किसी भी तरह के कीड़े मतलब उसके जो दाने होते हैं उसको तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अगर सीड कोड हार्ड है हाँ तो उतना भी हार्ड होगा उसको तोड़ने की क्षमता रखते हैं, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब एक तरह से इंसेक्ट है। ये जो कैलोसोब्रिकस है काउपी बिविल में है, इसमें खासकर दलहनी जो लगते हैं जो कीड़े दलहनी जो फसलें हैं दलहन उत्पाद है उसमें ये लगते हैं और इसमें जो है ये भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। ये जो होल ग्रेन है उसमें ये नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरीके से जो है ये इम्पॉर्टेंट ये भी इंसेक्ट है जो हमने बताया कि 10 से 12 तरीके के इंसेक्ट जो होते हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं जो होते हैं होल ग्रेन से। एक जो है ये भी एक कीड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइटोडोगा सीरियल्ला, इसको बोलते हैं एनगोनस ग्रेन माथ, ये भी जो है काफ़ी नुकसान पहुँचाता है और ये ग्रेन स्टोरेज में खासकर जो स्टोरेज हम करते हैं वहाँ पर ये काफ़ी जो है मात्रा में नुकसान पहुँचाता है। ये एक बार अगर इन्फेस्टेशन हो गया तो इसका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर उसके बाद मतलब एक दूसरे से एक जिसे अगर मान लीजिए हम असावधानी अगर रखते हैं तो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भी उड़ करके चले जाते हैं और वहाँ भी इन्फेस्टेशन फैला देते हैं। तो
तो हमेशा जो गोडाउन हमारा होता है उसमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो जो रोशनदान वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद हों, और अगर हम एक बार गोडाउन में स्टोरेज कर दें तो उसकी जो जो दरवाजे हैं उसकी प्रॉपर तरीके से सेलिंग हो जाए, और जो गोडाउन है उसमें हम देख लें कि अंदर से कोई दीवार फटी तो नहीं हुई है कि ऑलरेडी उसमें कीड़े हों, हम पहले से उसको डिसइंफेक्ट कर लें और चूने वगैरह में हम दवा मिला करके और उसको बढ़िया से उसकी साफ सफाई कर लें। नीचे का फर्श वगैरह हम उसको चेक करने के लिए बताते हैं कि भाई आप इस तरीके से आप इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और स्टोरेज में एक बार इन्फेस्टेशन होने के बाद उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो स्टोरेज में दाने रखने के या बीज रखने से पहले जो हम सावधानियाँ रख लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये जो है साफ टूथ होता है, इसके जो कहा जाता है ना कि इसके जो जो माउथ पार्ट होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, और ये दाने दांत इसके निकले हुए होते हैं एक तरह से कह सकते हैं इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा ये भी एक तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ये होल ग्रेन में भी, ये प्रोसेस्ड ग्रेन में लगते हैं वो जो ऑलरेडी जो मतलब ये होल ग्रेन में ये नहीं लगेंगे जी। जो दाने टूटे हुए हों या कोई मतलब एक तरह से कहते हैं बेसन है या आटा है इस तरह की चीज़ें हैं इसमें ये लगते हैं और उसमें काफ़ी मतलब नुकसान पहुँचाते हैं, प्रोसेस्ड ग्रेन में लगते हैं। प्रोसेस्ड ग्रेन में एक ये भी कीड़ा लगता है ट्राइकोडर्मा कैस्टेनियम जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कीड़ा, जो आप देखते होंगे इसको आप बोलते हैं ढोला भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग किसान अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम लेकर के बोलते हैं। ये कुछ सूजी में सर जो सफेद होता है, सूजी में भी लगता है, वही जो लगते हैं आटे में लगते हैं सूजी में लगते हैं, कोई भी चीज़ जो वो होती है जिसको हम खाते हैं डिब्बे में, आप देखोगे डिब्बे में कोई भी चीज़ आप रख दीजिए घरों में जी, ये कीड़ा आपको बहुतायत मिल जाएगा और उसमें काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, और जब अगर हम थोड़े दिन तक अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये जो है उसमें काफ़ी फैल जाता है, और आपको उस प्रोडक्ट को खाने में जैसे दाने से तो आप साफ़ कर लेंगे लेकिन इस प्रोडक्ट को आप साफ सफाई में बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको फेंकने की ही अंतिम चारा रह जाता है। तो ये जो है मतलब वेयर हाउस में जैसे आटे वगैरह की जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज करते हैं और वहाँ अगर ये लग गया अगर तो पूरा का पूरा लाट खराब हो जाता है, तो ये जो है इसके ये भी इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। इसके साथ साथ सिगरेट बीटल इसको बोलते हैं लेसियोडर्मा सेरिकॉर्ने, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, और ये अलग अलग इसमें जो है ना इसके जो त्वचा पे ना अलग छोटे छोटे मतलब आप कह सकते हैं हेयर्स बने होते हैं, और मतलब बहुत ही इसके छोटे लार्वा होते हैं, और इनको जो है पहचानना और इसको पकड़ना इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है ये मतलब ये भी इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस्ड ग्रेन में ये भी लगते हैं, प्रोसेस्ड ग्रेन में हमने बताया कन्फ्यूज ट्राइबोलियम कैस्टेनियम हमने बताया था पहले आपको, ट्राइबोलियम जो है कन्फ्यूजम भी है, इसकी दो स्पेसीज है, तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बड़े बड़े जो मिल्स होते हैं उसमें ये भी लगते हैं। 10-12 तरह के जो कीड़े होते हैं जो होल ग्रेन और प्रोसेस्ड ग्रेन में अलग अलग ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, आगे इसका और थोड़ा है डिटेल मिलेगा। प्रोसेस्ड ग्रेन में जो है प्लोडिया इंटरपेक्टेला है, ये भी एक कीड़ा जो है ये मतलब पहले तो US वगैरह में इसको जो है वहाँ से किया गया, लेकिन जो खाद्यान्न उत्पाद जो है जब एक देश से दूसरे देश में जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके साथ ये कीड़े चले जाते हैं। असावधानी अगर होती है कि जब हम उसको फ्यूमिगेट ठीक से नहीं करते हैं हमारे पोर्ट पे या जहाँ से ये आयात हो रहा है तो वहाँ से एक से दूसरे देश में ये काफ़ी मतलब फैलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब दूसरे देशों से या दूसरे प्रदेशों से कोई भी सामान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उनको फ्यूमिगेट करके जो है उसको इंसेक्ट फ्री कर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो जो है काफ़ी मतलब इसके फैलने की संभावना बनी रहती है। और इनका ये जो कीड़ा है ये 2 महीने की लाइफ साइकिल होती है, मतलब अगर फेवरेबल कंडीशन मिले तो 5-5, 6-6 जो है लाइफ साइकिल 1 साल में आपको मिल जाएगा, और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। सर जब हम इनके फेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं इसका मतलब कि मॉइस्चर ज़्यादा होगा आपके ग्रेन में और टेम्परेचर जैसे देखिए जब भी हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात किया हमने कहा कि भाई टेम्परेचर अगर 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर है तो इसमें बहुत तेज़ी से ये बढ़ेंगे, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 70% तक है तो इसमें बहुत बढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम स्टोरेज का जो टेम्परेचर है हमारा अगर 20 डिग्री से नीचे लेके आते हैं एयर टाइट रहता है बाहर से कोई किसी तरीके का कोई पानी वगैरह नहीं जा रहा है किसी तरह की हवा वगैरह नहीं जा रही है एयर टाइट स्ट्रक्चर है तो उसमें जो है और उसके साथ साथ अगर हम 12 जो हमने बताया कि गेहूँ या मतलब इस तरह के जो दाने हैं उसका अगर हम मॉइस्चर जो है पहले से टेस्ट करके अगर उसमें अगर हम रखते हैं और 12% पे मॉइस्चर है और स्टोरेज का जो टेम्परेचर है वो 20 से नीचे है और बाहर से किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है बाहर से पानी हवा नहीं जा रही है और पहले से गोडाउन साफ़ सुथरा है
तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है, लेकिन दान मीन ये कि जो लाट हम रखने जा रहे हैं उस लाट की सफाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो पहले से अगर इंसेक्ट का डैमेज वहाँ है गोडाउन में या दानों में तब वो बढ़ेगा, नहीं तो आइडियल कंडीशन यही है कि टेम्परेचर उसका 20 से नीचे हो और मॉइस्चर का मॉइस्चर जो ग्रेन्स का मॉइस्चर हो 12% के आसपास या दलहनी में जिसे हमने बताया कि 8 से 9% तक अगर होगा तो फिर ये इंसेक्ट जो है नहीं लगते हैं। बीच बीच में जब हम चेक करते रहते हैं कि मतलब लॉट जो है अच्छा, हम आगे आगे अभी बताएंगे कि ज़मीन से कितना ऊपर बोरे को रखना है, छत फर्श छत से कितना नीचे बोरे को रखना है, एक लॉट से दूसरे लॉट में कितना गैप होना चाहिए, ये जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बीटिल्स बीविल्स हमने जो बताया कि दो ग्रुप होता है कोलेप्टरा में, तो बीटिल्स बीविल्स जो होते हैं स्टोर ग्रेन में लगते हैं वो, ये आगे बहुत सारा फोटो आप देखेंगे। और इसमें जो है ग्रनरी बीविल्स राइस बीविल हमने जो बताया था ये जो है मतलब लगते हैं उसमें, मतलब जो आपके जो गोडाउन में, तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये भी आप फोटो देख सकते हैं इसको, और इसमें बहुत सारे करंट वो है करेक्टर है। इसके साथ साथ जो है ग्रेनरी बीविल्स के जो करेक्टर राइस बीविल में स्मॉलर देन ग्रेनरी बीविल्स होते हैं, जो एक दूसरे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है ग्रेनरी बीविल से, थोड़ा सा ये राइस बीविल इम्पॉर्टेंट होता है। और राइस में आप देखे होंगे कि बहुत सारे कीड़े लगते हैं, वो यही कीड़ा है। इसके साथ साथ जो है मतलब फीडिंग इंजुरी है, ये देखिए आपने होल जो हमारे जो मतलब जो साबुत दाने हैं उसमें हमने बताया था कि जो है ऊपर से ये नुकसान करते हैं और इसको मतलब हार्ट जो उसकी जो दाने की जो वो होती है उसको जो है छेद करके और उसमें ये घुस जाते हैं, उसके अंदर जो है ये रहते हैं और उसके अंदर से खाते हैं। और पूरा का पूरा जो है दाना आपका पूरा लॉट इस तरीके से आपको दिखाई देगा, पूरा जो है दाने में जो है अंदर से छेद हो जाता है और मतलब ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। और इनकी जो फीमेल्स होती हैं जो इनकी मादाएँ जो इंसेक्ट होते हैं 300 से 400 अंडे देते हैं इन्हें एक बार में, तो ये काफ़ी जो है मतलब नुकसान करते हैं। और उसके बाद जो है तीन से चार दिन में ये जो है लार्वा अंडे से लार्वा निकलता है, जो हमने बताया कि लार्वल स्टेज जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और अगर ह्यूमिडिटी इनकी 13% है और 27 डिग्री मतलब वो है, तो 13% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी और 27 डिग्री सेल्सियस वगैरह का जैसे हमने बताया कि 20 से 40 डिग्री में अगर मतलब वो है टेम्परेचर है, तो ये बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। तो इसलिए जो है ये इनको जो है अगर हम फैलने से रोक दें तो ये जो है मतलब काफ़ी जो है मतलब कंट्रोल नुकसान को बचा देते हैं। और होल ग्रेन को ये नुकसान करते हैं, ये हमने जो बताया था एक बार आपको। ये एक आप इनसे देख सकते हैं राइजोफिलस सुरेनामेंसिस है, ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये मतलब प्रोथेरेक्स जो इनका होता है काफ़ी लंबा होता है, और मतलब फोर विंग्स जो इसके जो ऊपर के जो विंग्स होते हैं उसमें इनको हम पहचानते कैसे हैं कि उनमें रिजेस वगैरह बने रहते हैं। और इसमें भी जो है जैसे उसमें हमने बताया कि 300 से 400 अंडे देते हैं, ये 200 से 250 के करीब अंडे इसमें देते हैं, जैसा कि इनके पास फेवरेबल ग्रेन फेवरेबल कंडीशन होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक इंसेक्ट जो है अगर 250 अंडे दे रहा है, अगर किसी स्टोरेज में अगर 100 इंसेक्ट भी लग गए तो लाखों की संख्या में इनको बढ़ने में सालों में एक साल में इनको समय नहीं लगता है। वो इनके चूंकि लाइफ साइकिल 2 से 2.5 महीने होती है, इसलिए जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। और लाखों करोड़ों की संख्या में अगर एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, अगर फेवरेबल कंडीशन में लापरवाही आप देखते होंगे कि स्टोरेज जब करते हैं लोग या बहुत सारा, तो वहाँ पे जो है बरसात का पानी घुस जाता है, ये सब हो जाता है, तो उसमें पूरा का पूरा लॉट जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये इंसेक्ट्स को जो है रोकने जी सर। और सर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें सुरक्षित बीज भंडारण करना है और सुरक्षित अन्न भंडारण करना है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमारी चर्चा जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी से जंग अभी है जारी, तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करना जिम्मेदारी है हमारी। मास्क लगाकर निकलें घर से बाहर, 2 गज दूरी बनाकर करें नमस्कार, हाथों को धोएं दिन में बार बार, तभी सुरक्षित रहेगा कोरोना से देश और समाज। शिक्षा का जिम्मा NIOS का काम, घर से शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा हुई अब आसान।
करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। पुनः स्वागत है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं सुरक्षित बीज भंडार के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक्सपर्ट डॉक्टर मयंक कुमार राय, प्रोफेसर इन हेड कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। सर, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे वो कौन कौन से बीटल्स एंड वीवल्स हैं जो कि आप जो भंडार में रखे हुए बीजों को नुकसान पहुँचाते हैं। सर, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो हमने जैसे बताया कि बहुत सारे जो बीटल्स और बीविल्स हैं वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो कॉमन ग्रॉसरी स्टोर जो वगैरह में जो है ना, ये बहुत सारा जो है कीड़े लगते हैं बीटल्स और बीविल्स, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, सबसे अच्छी सबसे बुरी बात यह होती है जो हमारे जो इंसेक्ट होते हैं जो स्टोरेज में लगते हैं, इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। तीन से चार सप्ताह या 2 से 3 महीने में ये एक लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। तो एक साल में अगर हम इनके साथ अगर सफल नहीं, मतलब अगर इनको हम नहीं अगर कंट्रोल करी किए, चेक किए, फेवरेबल माहौल जैसा भी मिला, फेवरेबल टेम्परेचर मिला, फेवरेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिली, और वातावरण अगर ख़राब हो गया, बरसात हो गई, और बरसात गोडाउन में आपके पानी अगर चला गया बाई चांस, तो ये इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद पूरी लाट ख़राब हो जाती है और इनको फेंकना ही पड़ता है। तो रैपिड इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, ये मतलब एक तरह से आप इनको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि रेड फ्लोर बीटल है, ये ट्राइबोलियम कैस्टेनियम जो हमने बताया बीटल और बीविल्स की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, इनके जो हेड्स होते हैं ना आगे निकले होते हैं, इनको पहचानने की भी आवश्यकता होती है। और
एडल्ट्स इनके होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में उड़ करके भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इनको जो है रोकना ज़रूरी है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में न जाएं, इसलिए गोडाउन को एयर टाइट स्ट्रक्चर से इनको जो है टाइट करके रखना, मतलब बंद करके रखना होता है। और मतलब एक तरह से थोरेक्स इनके कवर्ड होते हैं, पूरी विंग्स जो है इनकी इनके उससे थोरेक्स इनका विंग्स से ढका हुआ होता है। तो अगर हम जो हमने बताया कि 10 से 12 इंसेक्ट हैं, अगर हम इनको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लें तो इनको कंट्रोल करना काफ़ी जो है मतलब आसान हो जाता है। और 3 से 4 महीने में जो है ये ट्राइबोलियम जो है ये एक साइकिल पूरा कर लेता है। तो अगर हम साल में अगर बात करें तो 3 साइकिल जो है इनकी कंप्लीट हो जाती है, लाइफ साइकिल। ये भी काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। और एक कन्फ्यूज फ्लोरबिटिल है, ये ट्राइबोलियम कन्फ्यूजन इसका नाम भी है। जैसे हमने पहले बताया ट्राइबोलियम कैस्टेनियम है और ये ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम है। और मोर आर लेस एक तरह से कह सकते हैं कि ट्राइबोलियम कैस्टेनियम से ही इसका भी कैरेक्टर मिलता रहता है। और स्पेसीज लेवल पे थोड़ा सा इसका डिफरेंस होता है, तो आप इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप अपने भंडारण में इसको देखते होंगे, जहाँ भी जो भी व्यक्ति भंडारण कर रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फीडिंग इंजरी तो ये रेड फ्लोरबिटिल और कन्फ्यूज फ्लोरबिटिल में आप डिफरेंस देख लीजिए कि जो है ये सबसे पहले अमेरिका में जो है इसको मतलब रिपोर्ट किया गया था। और रेड फ्लोरबिटिल जो है फार्म स्टोरेज बिन्स में जो है, जो फार्म पे स्टोर डायरेक्ट करते हैं, वहाँ पे काफ़ी जो है मतलब ये नुकसान पहुँचाता है। और कन्फ्यूज फ्लोरबिटिल जो है जो हम ग्रॉसरी वगैरह जो होता है वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि गोडाउन में अगर हम स्टोरेज करते हैं तो रेड फ्लोरबिटिल कैस्टेनियम, और हम ग्रॉसरी वगैरह में है तो कन्फ्यूजन। ये दोनों स्पेसीज अलग अलग होती हैं, तो ये दोनों अलग अलग जगह पे ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक कीड़ा है राइजोपर्था डोमिनिका, बहुत ही मतलब एक तरह से टेम्परेचर सेंसिटिव है। चाहे कितना भी मिनिमम टेम्परेचर इसको कर दीजिए, ये जो है जल्दी मरता नहीं है। और इसको मारना सबसे ज़्यादा, जितने हमारे जो कीड़े होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल इसी कीड़े को, राइजोपर्था डोमिनिका को मारने में हमको समस्या आती है। और सिलिंड्रिकल बीटल्स होते हैं, लंबे से होते हैं, गोल एक तरह से सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था। और 300 से 500 अंडे देते हैं ये, और जो ग्रेन्स होते हैं उसी के आसपास जो है देते हैं। और इसमें से ग्रेन्स में से जो है ये लार्वा जो है, जो ग्रेन्स है उसमें अंडे देते हैं, उसके साथ ये बाहर थोड़ी देर के बाद निकल करके आते हैं। तो ये आपने ये देखा, ये इसकी इंजरी है, एडल्ट एंड लार्वी दोनों जो है इसकी जो है नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि हमने बताया बीटल्स और बेबल्स में जो है 4 स्टेज होती है, और माथ में 3 स्टेज होती है, जो हमने लेपिडोप्टेरा ग्रुप का बताया। उसमें जो है एक निम्फ और एडल्ट होते हैं, इसमें जो बीटल्स और बेबल्स होते हैं इसमें एक लार्वा प्यूपा एडल्ट होते हैं। तो लार्वा और प्यूपा इसका नुकसान पहुंचाता है, और ये जो है 2 स्टेज इसमें नुकसान पहुंचाती है, उसमें जो है 1 स्टेज नुकसान पहुंचाती है। तो ये एक तरह से अब हम कह सकते हैं इतना ये हार्ड इसका जो माउथ पार्ट होता है कि ये वुड्स वगैरह को भी, जैसे लकड़ी वगैरह है तो उसको भी ये काट देते हैं। ये इतना ज़्यादा मतलब इस हम देखते होंगे चूहे को उस तरीके से जो है ये इनका मतलब माउथ पार्ट जो है आइडेंटिफिकेशन है कर सकते हैं कि मतलब नुकसान कितना इनका इम्पॉर्टेंट होता है। ये कीड़े आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, ड्रग स्टोर बीटल में और सिगरेट बीटल में। ये भी एक तरह से काफ़ी इंसेक्ट इम्पॉर्टेंट है। टेनेब्रॉयड्स जो है एक इंसेक्ट होता है, ये भी बीटल्स में आते हैं, और ये 1000 eggs करीब करीब दे देते हैं। ये एक फीमेल जो है इंसेक्ट अगर फेवरेबल माहौल मिल गया तो 1000 तक ये एग लेइंग करते हैं। और सिलिंड्रिकल जो है मतलब लार्वा होते हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं ये भी, और एक साथ जो है मतलब ये लार्जेस्ट इंसेक्ट एक तरह से डैमेज करने वाले होते हैं। ये सबका अलग अलग नेचर होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो उन्हीं के बारे में हमको जानने की आवश्यकता है। और फीडिंग इंजुरी होती है, वाइड रेंज होता है इनका जो स्टोर ग्रेन्स में, और एडल्ट लार्वा अटैक करते हैं इसमें, दोनों स्टेज इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं और अटैक करते हैं। ये डर्मेस्टिक बीटल है, इस आप फोटो में देख सकते हैं। ये बहुत सारे मतलब इनकी स्पेसीज अलग अलग होती हैं। लार्वी जो है फुजी का मतलब साइज होते हैं, प्लम्प शेप होते हैं, जो थोड़ा सा फैले होते हैं। इसको आप
स्पेस वेयर हाउसेज वगैरह में जो है स्पाइसेस में वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मसाला वगैरह जहाँ भी स्टोरेज करते हैं तो उसमें जो है ये लग जाते हैं। मॉथ्स जो होते हैं, हाँ डॉक्टर साहब जी, कोई प्रश्न? अभी तक लर्नर सभी सर ने हमें बताया कौन कौन से बीटल्स और वीवल्स होते हैं जो कि स्टोर्ड ग्रेन को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा कई मॉथ्स होते हैं जो कि वेयर हाउस में नुकसान पहुँचाते हैं। चलिए डॉक्टर मयंक से हम जानते हैं कि वो कौन कौन से मॉथ्स हैं जो कि सीड्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि लर्नर्स आप देख रहे होंगे कि हमने बताया कि इंसेक्ट्स के 30 आर्डर होते हैं, जिसमें मेन आर्डर जो है स्टोरेज में जो इंसेक्ट लगते हैं वो कोलियोप्टेरा होता है और लेपिडोप्टेरा होता है। तो कोलियोप्टेरा में जो होते हैं बीटल्स और बीविल्स होते हैं, जिनकी स्किन बहुत हार्ड होती है, त्वचा जो है क्यूटिकल उसको बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, वो काफ़ी हार्ड होती है। और जो मॉथ्स होते हैं ये लेपिडोप्टेरा ग्रुप में आते हैं। तो ये जो है इसमें कुछ इंसेक्ट होते हैं जो जिस साइटोट्रागा होता है, एनगोनिस क्रेन मॉथ होता है, साइटोट्रागा सीरियलेला होता है। तो ये सबसे पहले यूएस में जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था, मतलब इसको एक तरह से सर्च किया गया था कि भाई वहाँ सबसे पहले लगा और इसको आइडेंटिफाई किया गया कि भाई ये स्टोरेज इंसेक्ट है। और इसमें जो है हैंड विंग्स वगैरह काफ़ी लंबे, मतलब लंबी होती हैं, और मतलब ये सीड के अंदर इसके लार्वल और प्यूपल स्टेज जो होता है उसमें मतलब उसमें जो है ये मतलब वो होते हैं, इसमें छिपे रहते हैं, वहाँ पे जो है इनका जीवन बीतता है सीड के अंदर। और इसके साथ साथ जो है ग्रेन मॉथ जो मैंने वो करते हैं, ये 300-350 साल पहले इसको जो है मतलब यूएस में जो हमने बताया कि इसको आइडेंटिफाई किया गया। और जब जिस ग्रेन में ये लग जाते हैं ये वहाँ पे एक स्पॉट आपको देखना शुरू हो जाएगा, और उसमें फिर जो है बहुत सारा ये अच्छा एक बात और है कि जैसे हमने बताया कि 2-3 जनरेशन किसी इंसेक्ट करता है, लेकिन इस कीड़े का जो है 6 जनरेशन तक जो है एक साल में जो है एक तरह से आप एक बार ओवरलैपिंग जनरेशन होते हैं। ओवरलैपिंग जनरेशन का मतलब कि एक जनरेशन ख़त्म नहीं तब तक दूसरा जनरेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी जो है मतलब खतरनाक एक सरस कह सकते हैं। इंडियन मील मॉथ है जो प्लोडिया इंटरपंक्टेला है, तो ये जो है मतलब एक तरह से ये भी यूरोपियन ओरिजिन का है। आप देख रहे होंगे कि सारे इंसेक्ट एक तरह से दूसरे देशों में इनको आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ से जो है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में नहीं था लेकिन आइडेंटिफिकेशन दूसरे देशों में हुआ, वहाँ से अगर जो इंसेक्ट हमारे देश में नहीं भी रहे होंगे तो वहाँ से अनाज वगैरह के माध्यम से जो है ये आए हमारे देश में और फिर हमारे यहाँ स्टोरेज में ये फैल गए। तो ये मतलब एक तरह से नेचुरल, इसमें एक ब्रेकन इनहिबिटर होता है, ब्रेकन इनहिबिटर ये नेचुरल पैरासाइट होता है, इसमें जो है ये अटैक करते हैं। इसमें लाइफ साइकिल इनकी जो है 4-6 सप्ताह का, मतलब कि 1-1.5 महीने में ये इनकी पूरी जीवन चक्र तैयार हो जाता है और पूरा जीवन चक्र ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंडियन मील मॉथ जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि 11-12 जनरेशन एक साल में ये कंप्लीट कर लेते हैं अगर फेवरेबल इसके इनके पास जो है वाइड रेंज होता है इनका, काफ़ी जो है रैपिड लाइफ साइकिल, जैसे कि हमने बताया कि 27-28 दिन या 29-30 दिन में ये तैयार हो जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर एक इंसेक्ट जो है फीमेल वगैरह अगर आ गया तो करोड़ों की संख्या में इसको डेवलप होने में समय नहीं लगता है। तो ये हमको स्टोरेज में, बाकी जो फील्ड के जो इंसेक्ट होते हैं उनको उनकी जनरेशन 3-4 महीने तक चलती है, लेकिन ये जो कोई 25 दिन में तैयार हो रहा है इंसेक्ट, पूरी जीवन एक लार्वा प्यूपा एडल्ट जो है तैयार हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो है 28-30 दिन काफ़ी क्रूशियल होता है। उसमें अगर हमने चेक नहीं किया तो इनकी संख्या को जो है करोड़ों लाखों की संख्या में बढ़ने से हम रोक नहीं सकते हैं जी। लर्नर सभी सर ने हमें बहुत तरह के बीटल्स, वीवल्स और मॉथ्स के बारे में बताया जो कि स्टोर्ड सीड में लगते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सर ये तो चर्चा हुई कि कौन कौन से कीड़े हैं जो कि प्रॉब्लम करते हैं, पेस्ट प्रॉब्लम करते हैं हमारे सीड्स को, लेकिन अब इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। स्टोरेज में जो हम अन्न रखते हैं या सीड रखते हैं इनका सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट होता है स्टोरेज में। जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले चीज़ तो ये देखना होता है कि हम जहाँ पे हार्वेस्टिंग करने के बाद जिससे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कंबाइन से आजकल हार्वेस्टिंग होती है ज़्यादातर, और या किसान अगर मैनुअल श्रमिक लगा करके अगर हार्वेस्टिंग कर रहा होगा तो उसको ये ध्यान रखना होगा कि हार्वेस्टिंग करने के बाद जब हम मड़ाई करते हैं तो जो मड़ाई की जो फील्ड होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए। यदि अगर संभव हो तो किसान जो है वहाँ पे आजकल पॉलीथीन वगैरह का इस तरह का मोटे मोटे कारपेट टाइप के आते हैं वो
कारपेट तो नहीं हो सकता है, लेकिन पतले पतले वो मातले हैं और मतलब चार्ट वगैरह टाइप का होता है, चार्ट टाइप का, उसको अगर लगा दे वहाँ और वहाँ हार्वेस्टिंग करके वहाँ अगर रखे तो जो ज़मीन में वहाँ ऑलरेडी कीड़े हैं तो वो जो है उन जो नए धानों के साथ वो मिक्स नहीं होते हैं। और इन्फेस्टेड अगर कोई मतलब ग्रेन्स वगैरह है तो उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना है किसी भी कीमत पे, नहीं तो उसमें जो है 2000-10000-5000 अगर कीड़े भी होंगे तो नए दानों में मिक्स हो जाएंगे तो वो फिर आप बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। तो उस समय जो है काफ़ी जो है मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इन्फेस्टेड प्रोडक्ट को जो है हमेशा हटा दीजिए, और मतलब जैसे हीट है, टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई गोडाउन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, और उसके साथ साथ जिसे ट्रक वगैरह से लेके जाते हैं या बोरे में, जिस बोरे में लेके जाते हैं या उस ओपन लेकर के जाते हैं तो उसमें जो है ले जाते समय ध्यान रखना है कि उसमें किसी तरीके की कोई मिक्सिंग ना हो, एक वेराइटी के दाने दूसरे वेराइटी के दानों के साथ मिक्स ना हो। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हमने बताया कि जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो 10-12% उस समय 18-20% तक मॉइस्चर होता है दानों में, उसको जो है कम से कम कुछ दिन अच्छी धूप में सूखा करके फिर रखेंगे तो उसके दाने मॉइस्चर कम हो जाता है। तो ये जो है काफ़ी जो है मतलब एक इम्पॉर्टेंट है। और नए इन्फेस्टेशन को अगर रोक देते हैं, जिसे कहीं किसी गोडाउन में ऑलरेडी भंडार में रखा हुआ है, दाने वगैरह रखे हुए हैं उसी भंडार में अगर आप लेके जाते हैं तो अगर वो भंडार ऑलरेडी इन्फेस्टेड होगा तो जो नए दाने या नए बीज या नए अनाज अगर रखेंगे तो उसमें भी इन्फेस्टेशन संप्रसत हो सकता है। तो ये इसके ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हमने पहले भी आपको बताया कि जो गोडाउन आप रख रहे हैं उसको जो है थोड़ा सा फ्यूमिगेट कर लीजिए, अगर बहुत बड़े पैमाने पर कर रखना होता है तो फ्यूमिगेशन की काफ़ी आवश्यकता होती है। एयर टाइट होनी चाहिए, जो आपके जो नीचे अगर कोई दीवार फटी हो या कुछ हो तो उसको जो है आप साफ सफाई करके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको जो है रखिए। और सैनिटेशन अनइन्फेस्टेड ग्रेन को जो है रखिए, जो साफ दाने हों उनको अलग रखिए, अगर कोई टूटे फूटे दाने हों तो उसको अलग रख लीजिए। अगर इसकी तरह से ग्रेडिंग करके अगर रखेंगे, जो अच्छे दाने होंगे उनको अलग रखिए, जो टूटे हुए दाने हों उनको अलग रखिए। तो ये जो है फॉगिंग वगैरह जरूरत है, एरोसोल का जो है स्प्रे कर लेने की ज़रूरत है, पायरेथ्रम बेस्ट बहुत सारा आता है तो उसको जो है मतलब रखिए। फ्यूमिगेशन इम्पॉर्टेंट है, हम उसका भी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, अनाज का भी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं और हमारा जो गोडाउन है उसका भी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। जो हमने बोरे खरीदे हैं पुराने बोरे को ना यूज़ करके, हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि हम बाज़ार से नए बोरे ले लें। आजकल बहुत अच्छे अच्छे बोरे होते हैं जो पहले से ट्रीटेड होते हैं, तो उनको अगर हम उपयोग करें तो वो ज़्यादा जो है पहले से, जैसे एल्युमिनियम फास्फाइड वगैरह हम यूज़ करते आए हैं तो उसकी जो है ज़्यादा होता है। और ग्रेन मॉइस्चर जो है हमने देखी, आप देख सकते हैं कि 12-14% से ऊपर में जाना नहीं चाहिए। जहाँ हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि जो भी ग्रेन हम स्टोर करेंगे उसमें अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो कीड़े कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, इसलिए उसकी जो है उसको जो है मतलब ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ड्रायर आ गए हैं उनको जो है ज़रूरत है। और हमेशा यह ध्यान रखिए कि टूटे दाने को अलग और साबुत दाने को अलग अलग रखिए, छांट करके रखिए, मिक्स दाने को मिक्स मत करिए, एक लॉट से दूसरे लॉट को मिक्स मत करिए, एक वैरायटी को दूसरे वैरायटी को मिक्स करिए मत करिए, सीड को जहाँ स्टोर कर रहे हैं उसको और अनाज है जो खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको मिक्स मत करिए, सीड वाले का स्टोरेज कहीं अलग बनाइए, अन्य जो खाद्यान्न बाकी रख रहे हैं उसको अलग जगह पे रखिए, ये ज़्यादा ज़रूरत है। सीड तो आप कहीं छोटे से भी स्ट्रक्चर में रख सकते हैं, लेकिन अनाज अगर बहुत सारा आपके पास है, ये एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि 3 मीटर से ज़्यादा का लॉट होना नहीं होना चाहिए, जैसे एक लॉट आपका 3 मीटर का जा रहा हो और नीचे कम से कम 9-10 इंच जो है अगर ऊपर कर दीजिए, जमीन पे नहीं रखना चाहिए किसी भी बोरे को, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ईंट रखिए, उस पर पटरा वगैरह रख करके उस पर रखिए, ज़्यादा ठीक है। प्लस एक लॉट से मतलब एक रो बोरे का जो रख रहे हैं, दो बोरे का रो रख रहे हैं तो एक दूसरे से कम जो है कम एक आदमी के आने जाने का उसमें मतलब इतनी जगह होनी चाहिए। छत से कम आपको 2 फीट जो ऊपर से छत है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम छत से सटा करके रख देते हैं तो ऊपर से अगर कहीं बाई चांस नमी आ गई तो दानों में आ जाती है, तो छत से जो है आपको कम से कम 1-1.5 फीट का अंतर होना चाहिए। तो अच्छा, दीवार से सटा करके नहीं रखना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप बहुत बड़े अगर पैमाने पर स्टोरेज कर रहे होते हैं।
और प्लस एयर टाइट करने के बाद उसको फ्यूमिगेट कर देते हैं, अगर फ्यूमिगेशन कर देते हैं तो और एक बार एयर टाइट करके बंद कर देते हैं सारा कुछ, तो उसमें बहुत दिनों तक हम सेफ्टी रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लीन स्टोरेज जो है कंटेनर्स यूज़ करना चाहिए, कंटेनर्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उसके साथ प्लास्टिक के बैग भी बहुत सारे आ रहे हैं, उनको जो है यूज़ करना चाहिए। और अगर सब कुछ जो है मतलब अगर नहीं मतलब एक तरह से हुआ कंट्रोल नहीं कर पाया आपने, आपके यहाँ से लापरवाही हो गई, आपके गोडाउन में इंसेक्ट पहुँच गया, आपने कहीं ना कहीं ज़्यादा मॉइस्चर के दाने को आपने गलती से रख दिया, या बाहर से बरसात हो गई, पानी आ गया आपके गोडाउन में, तो उस समय जो है अगर हम बार बार अगर निरीक्षण करते रहते हैं तो जो बोरे होते हैं उसके ऊपर जो है कीड़े घूमते हुए मिलते हैं, जो दाने के अंदर तो आप नहीं जा सकते लेकिन बोरे के ऊपर जो है कीड़े घूमते हुए मिलते हैं, तो उनको जो है दो तरीके से आप रोक सकते हैं, एक तो रासायनिक दवाओं में से जो है फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, दूसरा जो है बोरे का भी उपचार कर सकते हैं। तो मेलाथियन है 50% पे आता है, वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको जो है अगर हम पानी के साथ मिला करके 5 ml यूज़ करते हैं तो पूरे गोडाउन को ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये मतलब एक तरह से 5 ml को 20 L पानी में मिला करके यूज़ करिए। फेनिट्रोथ्रेजान है, ये भी लिक्विड फार्म में आता है, 50% की लिक्विड फार्म में आता है, इसको भी 5 ml के हिसाब से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही इफ़ेक्टिव है डेल्टा मेथ्रीन है, 2.5% के उसमें आता है, वेटेबल पाउडर के रूप में आता है, जो बाकी जो मेलाथियन और फेनिट्रोथ्रेजान होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं, लेकिन डेल्टा मेथ्रीन का जो पाउडर होता है 2.5% के उसमें आता है, तो 1.5 ग्राम जो है पर लीटर पानी के साथ मिला करके इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, और ये काफ़ी जो है मतलब इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्फेक्टेड ग्रेन्स को मतलब मेलाथियन से आप करिए फ्यूमिगेशन करिए, जैसे हमने बताया एल्युमिनियम फॉस्फाइड है और फास्फीन गैस से उससे निकलती है, तो इसको यूज़ करते समय जब तक कि बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति एक्सपर्ट ना हो तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोली को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जो है हीट ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं, तो ये बहुत सारा चीज़ जो है एक तरह से होता है। और आप देख सकते हैं जो बोरे रखते हैं उसको कैसे सीलिंग कर सकते हैं, इसमें आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि जो है सील कर दीजिए, और रखने के बाद अच्छे बैग से, अच्छे प्लास्टिक के जो आजकल आते हैं उससे आप इसको सील कर दीजिए, उसमें कहीं बाहर से पानी ना जाए, किसी तरह के चूहे वगैरह ना जाएं, चूहे बहुत सारे नुकसान करते हैं तो उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जैसे जो चूहे में ब्लैक रैट होता है, हाउस रैट होता है, रैटस जिनको बोलते हैं, तो उनको जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और ये ग्रेन्स को सीधे खाते हैं और ये वो यूरिन वगैरह करते हैं तो उससे भी जो है मतलब स्टोरेज में काफ़ी नुकसान होता है, तो रेट्स को जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता है। रेट मैनेजमेंट जो है इसमें स्टोरेज को अगर क्लीन करते हैं बाहर से, अगर चूहे नहीं जाते हैं तो बीमारी और कीड़े फैलाने के लिए जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसको जो है इनको साफ़ सफाई की आवश्यकता होती है। एस्परजिलस फंजाई होते हैं, 2-3 तरह के फंजाई होते हैं, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, तो इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। माइकोटॉक्सिन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, इनको भी ज़रूरत है कंट्रोल करने की। और फंजाई के लिए मॉइस्चर अगर 12-14% है तो फंगस लग जाएगा, और ड्राई हीट अगर 65°C पे अगर 6 दिन के लिए रख देते हैं तो कंट्रोल हो जाएगा। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 52-55°C पे अगर हम इसको कंट्रोल, और फंजीसाइड्स को रोकने के लिए डाइथेनम 45 सबसे इंपॉर्टेंट जो है फंजीसाइड है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ जो है मैनेजमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो मतलब, और किसी भी स्टोरेज को करने से पहले अगर बल्क स्टोरेज करना हो तो एक्सपर्ट्स के सलाह के साथ ही करें वो ज़्यादा बेहतर है, और रासायनिक दवाओं का प्रयोग अपने आप ना करें, ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। और लर्न आप कोई और प्रश्न अगर हो। जी सर, समय हो गया है और हमें आशा है कि जो हमारी आज का टॉपिक था सेफ सीड स्टोरेज, उस पर हमारे लर्नर्स को पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारे साथ स्टूडियो में थे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं लास्ट में अपना वक्त ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बताऊँगा कि जब हार्वेस्टिंग हो उस समय जो है साफ़ सफाई ज़रूरी है, और मॉइस्चर का ज़रूर ध्यान रखिए दाने में, और पुराने लॉट को नए लॉट के साथ ना मिलाइए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर, स्टोरेज का जो प्लेस है, बोरे हैं, सब साफ़ सुथरे होने चाहिए। 15-20% तक नुकसान हो जाता है अगर हमारे देश में 282 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन होता है,
अगर हम उसको 10% से 15% का लॉस देखेंगे तो कम से कम 25 से 30 मिलियन मीट्रिक टन का लॉस हो जाता है स्टोरेज में। इसको कम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हम फीड कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को खिला सकते हैं। बहुत उत्तम बात बताई सर आपने, बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे लर्नर्स को। और जो सबसे महत्वपूर्ण सर ने बताया कि हाइजीन एंड सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखना है, जब बीज की कटाई होती है उसके बाद उनकी सफाई होती है, स्टोर होता है वेयर हाउसिंग में, सब जगह हाइजीन एंड सैनिटेशन का बहुत ध्यान देना है। और कभी भी फ्यूमिगेशन करना है तो ज़रूर आप जो एक्सपर्ट है उनसे कराएं, खुद से ना करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो डॉक्टर मयंक राय आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप स्टूडियो में आए और इतनी बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे लर्नर्स को। तो लर्नर्स आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।